नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चैप्टर नंबर 1 11th क्लास की एनसीईआरटी की हिस्ट्री किताब का कुछ दिन से रुकी हुई थी, इसको टेकअप करते हैं। 4-5 वीडियोस की अपलोड करते हैं। जहां पे पहले हमने वीडियो को छोड़ा था वहीं से शुरुआत कर रहे हैं। द स्टोरी ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन, कुछ यहां तक मैं आपको इस पर्टिकुलर बुक में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। मॉडर्न ह्यूमन बींग्स की बात करेंगे। मॉडर्न ह्यूमंस के अर्लीस्ट फॉसिल्स कौन कौन सी जगह पर मिले हैं तो देखते हैं। मतलब सबसे पुराने फॉसिल मॉडर्न ह्यूमंस के, मतलब होमो सेपियंस में भी जो सबसे मॉडर्न मूवमेंट्स है उनकी बात कही जा रही है। तो इथोपिया में एक ओमो किबिश कर की जगह है। यहाँ पर 195,000 से लेकर 160,000 साल पुराने तक के मॉडर्न ह्यूमंस के फॉसिल मिले। साउथ अफ्रीका में बॉर्डर केव, डी किल्डर्स, क्लासियस रिवर माउथ में 120,000 से लेकर 50,000 साल तक के पुराने। मोरक्को में डारस सोल्टोन में 70,000 से लेकर 50,000 ईयर्स तक पुराने। इसराइल में काफशेस्खुल में 1,00,000 ईयर से लेके 80,000 ईयर्स तक पुराने। ऑस्ट्रेलिया में लेफ मोंगो में 45,000 से 35,000 ईयर पुराने। बोर्नियो में निहा केव में 40,000 ईयर्स पुराने। और फ्रांस में क्रो मैग्नॉन नियर लेस एल्जाइज में 35,000 ईयर्स पुराने फॉसिल्स मिले हैं। किसके? मॉडर्न ह्यूमंस के। इस चार्ट को देख के आपको ये पता चलेगा कि होमो सेपियंस का जो अर्लीस्ट एविडेंस है वो ज़्यादातर आपको अफ्रीका की अलग अलग पार्ट्स में दिख रहा है। तो इथोपिया, साउथ अफ्रीका, फिर इस ये आप कह लीजिए जो मोरक्को, ये सब कहीं ना कहीं दे आर पार्ट ऑफ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। ठीक है, तो सबसे पुराने इथोपिया, साउथ अफ्रीका, मोरक्को कहाँ पे? अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। तो कुल मिला के आप कह सकते हो कि अफ्रीका के जो कॉन्टिनेंट है वहाँ से ह्यूमंस का एवोल्यूशन हुआ है। ये बात तो मैंने आपको पहले की वीडियो में बताई थी। तो चाहे पुराने आप कह सकते हो होमो हैबिलिस या होमो नियंडरदर्स या उनकी बात कर लो, या ऑस्ट्रेलोपैथिकस की बात कर लो, या होमो सेपियंस की बात कर लो, या मॉडर्न ह्यूमंस की बात कर लो, सबका कहीं ना कहीं जो सबसे पुराने फॉसिल्स हैं वो मिलते हैं ह्यूमन, मतलब अफ्रीका से। अब यहाँ पे बात की जाती है कि प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ मॉडर्न ह्यूमंस। ये जो प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ मॉडर्न ह्यूमंस हैं, इस इशू को लेकर दो सेपरेट व्यू पॉइंट्स निकल के आते हैं और ये दोनों सेपरेट व्यू पॉइंट्स अलग अलग थॉट प्रोसेस देखते हैं। पहला व्यू पॉइंट क्या है कि भाई रीजनल कंटिन्यूटी मॉडल विद मल्टीपल रीजन्स ऑफ ओरिजिन, द अदर द रिप्लेसमेंट मॉडल विद अ सिंगल ऑफ ओरिजिन ऑफ अफ्रीका। मतलब ह्यूमंस, मॉडर्न ह्यूमंस का एवोल्यूशन किस प्रकार से हुआ, इसके रिस्पेक्ट में दो थ्योरी हैं। एक है कंटिन्यूटी मॉडल और एक है रिप्लेसमेंट मॉडल। रिप्लेसमेंट मॉडल ये बोलता है कि अफ्रीका से ही ह्यूमंस ओरिजिनेट हुए, सिंगल प्लेस ऑफ ओरिजिन है ह्यूमंस का। ये जो मल्टीपल रीजन्स ऑफ ओरिजिन वाला मॉडल, इसको रीजनल कंटिन्यूटी मॉडल बोलते हैं। इसमें यह बोला गया कि अलग अलग जगहों से ह्यूमंस का एवोल्यूशन हुआ है। पहले देखते हैं रीजनल कंटिन्यूटी मॉडल को। रीजनल कंटिन्यूटी मॉडल का ये बोलना है कि होमो सेपियंस अलग अलग जगह पे पाए जाते थे। इन अलग अलग जगहों पे होमो सेपियंस धीरे धीरे इवॉल्व हो रहे थे और मॉडर्न ह्यूमंस में अपने आप कन्वर्ट कर रहे थे। और आप देखोगे कि बाद में ये मॉडर्न ह्यूमंस अलग अलग जगहों पे अलग अलग फॉर्म्स में देखने को मिले हैं। आज की डेट में रीजनल डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेंगे प्रेजेंट ह्यूमंस में। कैसे? तो मंगोलिया, चाइना में चले जाइए तो वहाँ पे जो ह्यूमंस हैं उनके फेशियल फीचर्स अलग हैं। उसके बाद अगर आप बात करो तो अगर आप चले जाओ टर्की साइड या फिर यूएसए साइड, तो वहाँ पे आपको ज़्यादातर लोग गोरे नज़र आएंगे। क्यों? वाइट पॉपुलेशन नज़र आएगी, उनके लिए इंडियंस ब्लैक पॉपुलेशन है। आप अफ्रीका में चले जाइए तो आपको ब्लैक पॉपुलेशन नज़र आएगी, नेग्रिटो रेसेस मिलेंगी। तो बेसिकली ये बोला जा रहा है कि ह्यूमंस अलग अलग जगहों पर इवॉल्व हुए हैं और इसीलिए आप देखोगे कि कोई भी दो ह्यूमंस एक जैसे नहीं दिखते। ये अलग बात है कि उनका जो स्केलेटल स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल सेम है, लेकिन अगर आप देखोगे उनके फिजिकल, बाकी फिजिकल फीचर्स को, जैसे कि उनके अपीयरेंसेस को देखोगे, उनके बॉडी के कलर को देखोगे, तो आपको ये कहीं ना कहीं अलग नज़र आएगा। ठीक है, तो बेसिकली अगर आप बात करो रीजनल कंटिन्यूटी मॉडल क्या बोलता है कि आज के डेट में अलग अलग देशों में रहने वाले जो अलग अलग फीचर्स हैं लोगों के, कलर हो गया, हाइट हो गया, ओके, ये सब अलग अलग इसलिए हैं क्योंकि इन जगहों पर जो होमो सेपियंस रहते थे, उन होमो सेपियंस से पहले जो होमो इरेक्टस थे और होमो हाइडल बर्जेनेसिस थे, इनमें चेंजेस थे और इनके चेंजेस इवॉल्व होते होते जब होमो सेपियंस में कन्वर्ट हुए तो अलग अलग फीचर्स देखने को मिले आज की डेट में अलग अलग। तो ऑस्ट्रेलिया के लोगों को अगर आप देखोगे तो वो इंडिया जैसे नहीं दिखते। ठीक है भाई, अगर आप रिप्लेसमेंट मॉडल की बात करो, रिप्लेसमेंट मॉडल ये बोलता है कि भाई सारे ओल्डर फॉर्म्स ऑफ ह्यूमन को एक ही बार में मॉडर्न ह्यूमंस ने कन्वर्ट किया। समझिए बात को, आज की डेट में अगर आप दुनिया भर में कहीं भी चले जाइए तो जो मॉडर्न ह्यूमंस हैं उनमें एक चीज़ बहुत हद तक कॉमन है, जेनेटिक एंड एनाटॉमिकल होमोजेनिटी। तो जीन्स का जो पैटर्न है, ठीक है, मैं डीएनए की बात नहीं कर रहा हूँ,
मैं जीन्स की बात कर रहा हूँ, जिस प्रकार से सेल काम करती है, जिस प्रकार से चीज़ें काम करती हैं, तो जीन्स का जो पैटर्न है, एनाटोमिकल होमोजेनिटी, मतलब उनके स्कल का स्ट्रक्चर देख लीजिए, बोन का स्ट्रक्चर देख लीजिए, ये सारे ह्यूमंस में ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है। तो इसीलिए रिप्लेसमेंट मॉडल ये बोलता है कि पहले की स्पेशीज से होमो इरेक्टस से या होमो हाइडलबर्जेनेसिस के रिस्पेक्ट में जब होमो सेपियंस इवॉल्व हुए पूरी दुनिया में कहीं पे भी, तो आप कह सकते हो कि सिंगल आप कह सकते हो ओरिजिन है इनका। ओके, मतलब कि एक ही समय पे आप कह सकते हो ये इवॉल्व हो गए, मतलब अलग अलग रीजनल मॉडल नहीं है। ये हो सकता है कि ये एवोल्यूशन थोड़ी अलग अलग जगहों पे हो रहा हो पैरेलली, लेकिन सिंगल है। मतलब इनका ये बोलना है, दो फर्क समझिएगा, आज की डेट में जो मैंने फिजिकल फीचर्स में डिफरेंसेस बताया रीजनल कंटिन्यूटी मॉडल में, वो फिजिकल फीचर्स के डिफरेंसेस ये रिप्लेसमेंट वाले मॉडल कैसे बताते हैं कि भाई अलग अलग जगहों पे टेम्परेचर्स अलग अलग थे, वेदर अलग अलग था, रहने के जो इन्वायरमेंट था वो अलग अलग था, इसलिए ह्यूमन पॉपुलेशन अडॉप्ट होते होते अलग हो गई। तो इंडिया में लोग काले ज़्यादा क्यों हैं, धूप बहुत पड़ती है। अफ्रीका में ज़्यादा इतने काले क्यों हैं, धूप बहुत पड़ती है, तो उनकी रेस ही बनती ऐसी चली गई। अमेरिका और यूरोप में इतने गोरे क्यों हैं, चूंकि मौसम सुहावना है। ऐसे मतलब आप समझ सकते हो ना कि किसी एक पर्टिकुलर जगह पे रह के वो अडेप्ट कर करके आज के फिजिकल फीचर्स को उन्होंने कहीं ना कहीं अपने अंदर इम्बाइव कर लिया, लेकिन ओरिजिन उनका एक ही है। तो रिप्लेसमेंट मॉडल कहता है कि सारे ओल्डर फॉर्म्स ऑफ ह्यूमन एकदम से यूनिफॉर्म तरीके से मॉडर्न ह्यूमन में कन्वर्ट हुए, लेकिन रीजनल कंटिन्यूटी मॉडल बोलता है कि नहीं भाई, अलग अलग समय पे धीरे धीरे कन्वर्ट हुए और इसलिए फिजिकल फीचर अलग होते हैं। तो ये है दो मॉडल, रिप्लेसमेंट मॉडल और रीजनल कंटिन्यूटी मॉडल। समझा दिया है, पूछा तो कहीं नहीं जाने वाला है, आपको एक्चुअली में पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे, दोज हु सजेस्ट दिस आर्ग्यू दैट द इनॉर्मस सिमिलैरिटी अमंग मॉडर्न ह्यूमंस इज ड्यू टू द डिसेंट फ्रॉम अ पॉपुलेशन दैट ओरिजिनल इन अ सिंगल रीजन विच इज अफ्रीका। एक और बात, रिप्लेसमेंट मॉडल में प्लेस ऑफ ओरिजिन में सिमिलर बताया जा रहा है, अफ्रीका बताया जा रहा है। इनका ये बोलना है कि अफ्रीका में ही ये मॉडर्न ह्यूमंस इवॉल्व हुए, ये अलग बात है कि फिर ये मॉडर्न ह्यूमंस दुनिया भर में फैल गए। जब ये दुनिया भर में फैल गए तो उनके फॉसिल फ्यूल्स दुनिया भर से मिले हैं, थोड़ा लेट मिले। तो इस बेसिस को कोट करके ये जो रिप्लेसमेंट मॉडल है वो ये भी बोलता है कि ह्यूमंस, मॉडर्न ह्यूमंस एक जगह पे इवॉल्व हुए अफ्रीका में, बाद में वहाँ से पूरी दुनिया में फैल गया। तो मॉडर्न ह्यूमंस के, जैसा कि मैंने बताया, अर्लीस्ट फॉसिल कहाँ से मिलते हैं, तो ये मिलते हैं आपको इथोपिया में, एक जगह है ओमोकेबेश, ठीक है, 195,000 ईयर्स अगो टू 160,000 ईयर्स अगो। ओके, फिर आप देखोगे, हाँ जैसा कि मैंने बताया, ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि स्कॉलर्स हु होल्ड दिस व्यू सजेस्ट दैट फिजिकल डिफरेंसेस ऑब्जर्व टुडे अमंग मॉडर्न ह्यूमंस आर द रिजल्ट ऑफ अडॉप्टेशन बाय पॉपुलेशंस हु माइग्रेटेड टू पर्टिकुलर रीजंस व्हेन दे फाइनली सेटल डाउन। मतलब उस जगह पे रह के उसके एनवायरमेंटल कंडीशंस के अडॉप्ट करने की वजह से आज की डेट में उनके फिजिकल फीचर्स अलग अलग हो गए। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, अगर अब तक वीडियो को शेयर नहीं किया, इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया, कर दीजिए। ज्वाइन बटन दबा के आप हेल्प कर सकते हैं। मेरे चैनल हर्षित देव एजुकेशन के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, आपको अलग अलग टॉपिक्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए लेक्चर्स की नोटिफिकेशन के लिए। तो ये यहाँ पे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिख रहे हैं रीजनल कंटिन्यूटी मॉडल का, रिप्लेसमेंट मॉडल का, ठीक है भाई। आगे चलते हैं, अर्ली ह्यूमंस वेज ऑफ ऑप्टेनिंग फूड। अब हम ये समझते हैं कि जो अर्ली ह्यूमंस थे वो खाना अपना कैसे ऑप्टेन करते थे। हमने भाई स्केलेटल रिमेन्स के एविडेंसेस को देखा है, और उस समय पे जो लोग रहा करते होंगे उनकी हिस्ट्री को जिस हद तक हो सका है उसको समझने की कोशिश की। कुछ हद तक इसके बेसिस पे हम रिकंस्ट्रक्ट कर पाए कि किस प्रकार से पीपल एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में मूव कर रहे थे। ओके, फिर ह्यूमन लाइफ के कुछ रूटीन एस्पेक्ट्स को भी स्टडी करने की कोशिश की। सब कुछ पूरी तरीके से नहीं जाना जा सकता, लेकिन कुछ जितना हो सकता उतना पता करने की कोशिश की। जैसे कि जो अर्ली ह्यूमंस थे वो अपना खाना किस किस प्रकार से इकट्ठा करते थे, तो गैदरिंग, हंटिंग, स्कैवेंजिंग, फिशिंग, फिश फूड को गैदर करना, हंटर करना, हंट करना, स्कैवेंज करना। स्कैवेंज मतलब कि कोई मरा हुआ पशु पड़ा है तो उसकी खाल को पत्थर से घिस घिस के उतार दिया और अंदर का मांस खा लिया। फिशिंग, इन सब चीज़ों के दम पे ये लोग खाना खाते थे। फिर ये लोग प्लांट फूड भी इकट्ठा करते थे, जैसे सीड्स, नट्स, बेरीज, फ्रूट्स एंड ट्यूबर्स। आप कह सकते हो जो गैदरिंग का प्रोसेस था इसको धीरे धीरे करके, देखिए जितने भी प्रोसेस थे यहाँ पे वो आप कह सकते हो कि धीरे धीरे करके अपने आप इवॉल्व होगा। एग्जैक्ट इसकी इवोल्यूशन का प्रूफ या फिर वजह किसी को भी यहाँ पे नहीं मिल पाई है, लेकिन ठीक है, जो भी आपको फॉसिल बोन्स मिली हैं, जो भी फॉसिल प्लांट रिमेन्स मिले हैं, उससे हम लोग थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन पता करने की कोशिश जरूर कर सकते हैं। फिर भाई इन सब चीज़ों में एक और बात है, फॉसिल बोन्स के फॉसिल बहुत ज़्यादा मिले बट फॉसिल प्लांट्स के फॉसिल बहुत कम मिले। अभी प्लांट्स के फॉसिल और
किस प्रकार का खान पान खाया जाता था, उसके फॉसिल्स तो घड़ों के अंदर से, जो खाने वाले जो बर्तन थे उसके अंदर जो माइक्रो ट्रेसेस रह जाते हैं, उससे साइंटिफिकली इवॉल्व करने की कोशिश की जा रही है। बहुत सारी जगहों पर अभी भी रिसर्च शोध एकदम चालू है, रिसर्च प्रॉपर तरीके से इसके ऊपर चल रही है। ठीक है, अगर आगे बात करो तो प्लांट इनटेक क्या क्या करते थे उस समय के लोग, ये और किन किन तरीकों से पता चला। तो होता यह था कि कभी कभी जो प्लांट रिमेन्स थे ना वो जल जाते थे। अभी जलने के बाद में वो जो प्लांट है वो कार्बोनाइज हो जाता है, और कार्बोनाइजेशन के बाद वो काफ़ी लंबे समय तक प्रिजर्व रह सकता है। और इन कार्बोनाइज सीड्स के दम पे आर्कियोलॉजिस्ट वेरी अर्ली पीरियड के जो भी प्लांट वगैरह खाए जाते थे उसके बारे में बहुत कह सकते हैं नॉमिनल इन्फॉर्मेशन जान सकते हैं। बहुत ज़्यादा कार्बोनाइज सीड्स या बहुत ज़्यादा कार्बोनाइज प्लांट के एग्जाम्पल्स नहीं मिले, बहुत हल्के फुल्के मिले, जिसके बेसिस पे हल्की फुल्की धुंधली पिक्चर नज़र आती। फिर अगर आप बात करो तो हंटिंग की बात कर लें, तो शुरुआत में क्या होता था कि शुरुआत में जो अर्ली होमोनिड्स थे, ठीक है ना, होमोनिड्स कह रहा हूँ मैं, ठीक है ना, होमोसेपियंस नहीं कह रहा, अभी होमोनिड्स होमोसेपियंस ऑस्ट्रेलोपिथेकस उसमें क्या फ़र्क है, इसके लिए से पहले की वीडियो देखी जाके। तो ये जो होमोनिड्स थे वो स्कैवेंज करते थे या फोरेज करते थे मीट के लिए और मैरो के लिए। उन जानवरों के कैरकेसेस में जो कि नेचुरली मर गए हों या किसी और प्रेडेटर ने उनको मार दिया हो, मतलब कि समझिए ये अर्ली होमोनिड्स अपने आप से जानवरों को खाने के लिए नहीं मार रहे थे। बहुत सारे जानवर एग्जिस्ट करते थे, कभी कभी वो जानवर आपस में लड़ते थे, मर जाते थे। तो कोई जानवर मर गया है, उसका शव पड़ा हुआ है, तो खोद खोद के काट काट के चीर फाड़ के उसके अंदर का मांस खा लिया। ऑब्वियस ही बात है, उस समय पर आदमी क्या ही करेगा, सुनने में अजीब लग रहा होगा बट उस समय तो नरभक्षी थे, क्या करें, आज की साइंस तो उस समय पर थी नहीं, ठीक है, पीटा ब्रेड तो मिलती नहीं थी उस टाइम पर। फिर आप बात करो कि भाई जो एनिमल्स नेचुरली रह जाते थे उनके कैरकेसेस, और कैरकेसेस को खाने का तरीका बड़ा लगता। आप देखोगे छोटे छोटे पत्थरों किसी भी नोकिले पदार्थ से खोद खोद के खोज खोज के उनका मांस निकालना काफ़ी अजीब सा लगता है। फिर आप देखोगे कि उस समय पे बहुत सारे छोटे जानवर जैसे कि रोडेंट्स, चूहे, बर्ड और उनके एग्स, रेप्टाइल्स, इंसेक्ट्स जैसे कि टर्माइट्स, इनको भी अर्ली होमोनिड्स खाते थे। और ये अर्ली होमोनिड्स काफ़ी समय तक पेड़ों में रहते थे, तो भाई बर्ड्स और उनके एग्स की तुसामत ही रहती थी हमेशा। फिर अगर आप बात करोगे तो हंटिंग थोड़ा बाद में शुरू हुई, मतलब होमोनिड्स के बाद जो रेस इवॉल्व होगी वो जानवरों को इंटेंशनली मारेगी खाने के लिए, इसको बोला जाएगा हंटिंग। 5 लाख ईयर्स अगो हंटिंग के साक्ष्य मिलते हैं, जिसको आप बोल सकते हो प्लांट हंटिंग या बुचरी ऑफ लॉन्ग एनिमल्स, सॉरी लार्ज एनिमल्स। कहाँ कहाँ से प्रूफ मिले हैं हंटिंग के, तो भाई आप कह सकते हो कि साउदर्न इंग्लैंड में एक जगह है बॉक्स ग्रोव, यहाँ से 5 लाख ईयर्स अगो पहले, और जर्मनी में एक जगह है शॉनिनजन, यहाँ पे लगभग 4 लाख ईयर्स अगो हंटिंग के कुछ आप कह सकते हो एग्जाम्पल्स देखने को मिलते हैं। फिर फिशिंग भी एक इम्पॉर्टेंट था, फिश बोन्स भी यहाँ पे बहुत जगहों पे पाए गए। ये आपको यूरोप का नक्शा दिख रहा है, यूरोप के नक्शे पे कहाँ कहाँ पे आप कह सकते हो, तो अल्तामीरा का नाम आएगा अभी, शॉनिनजन का नाम अभी ऊपर आया था, नियंदर वैली भी, डॉलनी वेस्टोनिस का नाम अभी नीचे आएगा, ठीक है, बॉक्स ग्रोव का नाम अभी मैंने ऊपर बताया, जहाँ पे बहुत मैसिव आप कह सकते हो एग्जाम्पल्स मिले हैं हंटिंग के। तो आप कह सकते हो कि लगभग 35,000 साल पहले प्लांट हंटिंग के एग्जाम्पल मिलते हैं कुछ यूरोपियन साइट्स पे, जैसे कि डॉलनी वेस्टोनिस चेक रिपब्लिक में, जिसको अभी मैंने आपको ऊपर मैप में दिखाया। उसके साथ साथ देखोगे ये जो डॉलनी वेस्टोनिस नाम की जगह थी ना चेक रिपब्लिक में, यहाँ पे नदी बहती थी, तो बेसिकली यहाँ पे बहुत सारे माइग्रेटरी एनिमल्स जैसे कि रिएंडर हॉर्स नदी पार किया करते थे ऑटम सीजन में। जब ये लोग नदी पार किया करते थे तो बहुत झंड में बहुत सारे जानवर एक जगह से निकल रहे होते थे, तो इनको बल्क में मार दिया जाता था, क्यों, ऑब्वियसली बात है खाने के लिए, ठीक है। ये अलग बात है कि मारने में मैन इन्वॉल्व थे या वुमेन इन्वॉल्व थे, मैन वुमेन दोनों इन्वॉल्व थे, मैन और वुमेन के प्रिसाइज फंक्शंस क्या थे गैदरिंग में, स्कैवेंजिंग में, हंटिंग में, फिशिंग में, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी अभी के लिए नहीं है। मैन काम करते थे, वुमेन काम करते थे, किस प्रकार से हंटिंग गैदरिंग होती थी इसको हम लोग थोड़ी देर में आगे भी देखेंगे। फिर बात करते हैं अर्ली ह्यूमंस फ्रॉम टीज टू केव्स टू ओपन एयर साइट्स। हम लोग रेजिडेंस के पैटर्न को यहाँ पे इवॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है भाई। आप देखो कि जो ह्यूमंस हैं, जो भी स्पेशीज है, वो एप्स से इवॉल्व हुई हैं। तो सबसे पहले क्या थे, एप्स। अभी एप्स थे सबसे पहले, तो एप्स कहाँ रहते हैं, पेड़ों पे। तो बहुत लंबे समय तक जो अर्लीस्ट स्पेशीज इवॉल्व होंगी वो कहाँ रह रही होंगी, पेड़ों पे, ठीक है। फिर लेटर ह्यूमंस द्वारा बनाए गए जो आर्टिफैक्ट्स हैं वो भी बहुत जगहों से मिले हैं। आप बोलोगे आर्टिफैक्ट्स क्या होता है, तो आर्टिफैक्ट्स की प्रॉपर परिभाषा दे रखी है। आर्टिफैक्ट्स वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं
जिनको ह्यूमन बींग्स ने बनाया। इसमें पेंटिंग्स हो सकती हैं, स्कल्पचर्स हो सकते हैं, इंग्रेविंग्स हो सकती हैं, ये सब प्रकार की चीज़ें हो सकती हैं किसमें, आर्टिफैक्ट्स में। ठीक है भाई, वापस आ जाते हैं। तो आर्टिफैक्ट्स किस किस जगह पे पाए गए हैं? ओके, उसके बाद कुछ जगहों पे बहुत सारी तादाद में, हज़ारों की तादाद में फ्लेक टूल्स पाए गए हैं, हैंड एक्सेस यानी कुल्हाड़ियाँ पाई गई हैं। ये सब कहाँ पाए गए? तो किलोम्बे में, ओलोर गेसली नाम की जगह केन्या में, वहाँ पाए गए। और ये जिस पीरियड में पाए गए हैं उस पीरियड की डेट है 7 लाख ईयर्स अगो टू 5 लाख ईयर्स अगो। तो आप देखोगे कि इन जगहों पे ये टूल्स एक्यूमुलेट कैसे हुए। हो सकता है कि भाई इन जगहों में फूड रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा रहे हों और ये ह्यूमंस भी इन जगहों पे जाके ज़्यादा रहने लगे हों, या जो अर्ली स्पेशीज थी वो जगह जाके वहाँ पे जाके ज़्यादा रहने लगे हों। ये पाया गया कि भाई ऑब्वियसली बात है, जहाँ बहुत ज़्यादा खाना रहा होगा, जहाँ बहुत ज़्यादा साफ पानी रहा होगा, रिसोर्सेज रहे होंगे, वहाँ पे बहुत तादाद में जानवर और ह्यूमंस पाए जाते होंगे। और जानवर भी एक प्रकार का रिसोर्स थे, इनको मार के खाते थे। तो जानवर के मूवमेंट का जो आप कह सकते हो पैटर्न था, इसको उस समय के ह्यूमंस ने, अर्ली ह्यूमंस ने इवॉल्व कर रखा था। और जब इनको जानवर मिल जाते थे बल्क में, इनको मार के खाते थे। फिर ये ह्यूमंस जो चीज़ें प्रयोग करते थे, जैसे कि आर्टिफैक्ट्स, इस आर्टिफैक्ट के डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे आप पता कर सकते हो कि कौन सी जगहों पे ज़्यादा ह्यूमंस रहते थे, कौन सी जगहों पे कम ह्यूमंस रहते थे। कुछ ह्यूमंस ऐसे, कुछ जगहें ऐसी हो सकती हैं जहाँ पे होमोनिड्स, प्राइमेट्स और कार्निवोर्स सब रहते हो। इसके रिस्पेक्ट में होमोनिड्स क्या होते हैं, कार्निवोर्स क्या होते हैं, प्राइमेट्स क्या होते हैं, पहले की वीडियो देखिए, जाके बार बार बोल रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे आपको कुछ आर्टिफैक्ट्स नजर आ रहे हैं, ये आपको दिख रही साइट ऑफ ओलोर गलसाल से। यहाँ पे एक्सकेवेटर्स मैरी और लुइस लीकी, और मैरिस और लुइस लीकी की कहानी मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाई है। भाई मैरिस और लुइस लीकी शायद ही अफ्रीका में कोई हिस्सा होगा जहाँ पे एक्सकेवेशन करने के लिए ना गए होंगे, ये यूरोप में भी इन्होंने बहुत इंटेंसिव एक्सकेवेशन किया है। तो आपको यहाँ पे हैंड एक्सेस नजर आ रहा है। आप बोलोगे हैंड एक्सेस ये कुल्हाड़ी कैसे हो सकती है? हैंड एक्सेस मतलब हाथ की कुल्हाड़ी। आप देखो इसकी ये नोक पॉइंटेड, इसकी ये नोक पॉइंटेड, उस समय भी ये पॉइंटेड ही बहुत होता था, इसी से छील मारते थे ये पुराने लोग सब कुछ। ओके, फिर आप आगे देखोगे कि जो अर्ली होमिनिड्स होते थे इनको होमो हैबिलिस भी कहा जाता था। ये ज्यादातर जो फूड था इसको देखिए, होमोनिड्स सच एज होमो हैबिलिस प्रोबेबली कंज्यूम मोस्ट ऑफ द फूड वेयर दे फाउंड इट। जहाँ पे इनको खाना मिलता था वहीं खा जाते थे। आगे के लिए स्टोर करने का दिमाग इन लोगों के अंदर नहीं था, अलग अलग जगहों पे सोते थे। ज़्यादातर जो इनका समय था वो पेड़ों में बीतता था। तो पेड़ों में शुरुआती आप कह सकते हो ह्यूमंस की एवोल्यूशन में जो लीनेस थी, पेड़ों में ये होमोनिड्स काफ़ी टाइम स्पेंड करते थे। फिर आप देखोगे कि 4 लाख ईयर्स अगो से 1,25,000 ईयर्स अगो पहले लगभग केव्स और ओपन एयर साइट्स का प्रयोग किया जाने लगा रहने के लिए। इसके एग्जांपल कहाँ से आते हैं? यूरोप में आते हैं। साउदर्न फ्रांस में एक जगह है जिसका नाम है लेजारेट केव। ये लेजारेट केव 12x4 meters का शेल्टर है। केव वॉल के साइड में इसको बनाया गया है। इसके अंदर 2 हर्थ पाए जाते हैं। हर्थ क्या है? हर्थ एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे कुछ जला के आप गर्म कर सकते हो अपने आप पे, या वहाँ पे आप खाना भी बना सकते हो। अब यहाँ पे देखो, यहाँ लेफ्ट साइड पे आपको केव नजर आ रही है। ओके, तो ये रिकंस्ट्रक्शन है टेरा अमाटा की केव का। यहाँ पे लार्ज स्टोन बोल्डर्स, देखिए इस पड़े की जो लार्ज लार्ज पत्थर है इनको रखा गया, उन पत्थरों के बीच में इस केव के सपोर्ट को टिका दिया गया। इधर भी बोल्डर्स नजर आ रहे हैं, तो इधर भी इस केव के सपोर्ट को इन पत्थरों के बीच में टिका दिया गया। और छोटे छोटे पत्थर जो यहाँ पे फैले हुए हैं छोटे छोटे, इनसे क्या किया जाता था? तो इनसे भाई स्टोन के टूल्स बनाए जाते थे। तो लोगों के पास ज़्यादा कुछ काम था नहीं, तो बैठे बैठे टूल ही बना रहे हैं। कुछ तो चाहिए ना, समय बिताने के लिए करना है कुछ काम, अबंता नहीं तो समय पर होती नहीं थी। फिर यहाँ पे जो ब्लैक स्पॉट है ये दिखा रहा है हर्थ। कहाँ है ये ब्लैक स्पॉट? ये रहा ब्लैक स्पॉट। इस ब्लैक स्पॉट को आप बोल सकते हो हर्थ। हर्थ मतलब जहाँ पे कुछ जला के आप अपने आप को गर्म कर सकते हो ठंडी में, या फिर आप अपनी कुकिंग कर सकते हो, अपना खाना वगैरह बना सकते हो। फिर आगे बात करते हैं, अलग अलग प्रकार के फूड सोर्सेस के भी साक्ष्य मिले हैं 4 लाख ईयर्स अगो से 1,25,000 ईयर अगो लेजारेट केव में। जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल, सीड्स, नट्स, बर्ड एग्स, फ्रेश वाटर फिश, जैसे ट्राउट, पर्च, कार्प खूब खाई जाती थी उस समय पर। फिर आप देखोगे टेरा अमाटा, ये टेरा अमाटा का एक शेल्टर दिखाया गया। ये साउदर्न फ्रांस के कोस्ट पे, यहाँ पे फ्लिम्सी शेल्टर्स थे विद रूफ्स ऑफ वुड एंड ग्रासेस। फ्लिम्सी का मतलब क्या होता है? फ्लिम्सी का मतलब होता है जिसमें ज़्यादा ताकत नहीं है, ज़रा सा धक्का लगा, खतरनाक सी आंधी तूफान आई तो छत उड़ जाएगी। तो फ्लिम्सी शेल्टर्स विद रूफ ऑफ वुड एंड ग्रासेस पाए जाते थे। फिर आप देखोगे कि बेक्ड क्ले और बर्नड बोन भी मिली है लगभग 1.4 से 1 मिलियन ईयर्स अगो
चेशोवांजा नाम की जगह पे केनिया में, और स्वार्थ क्रांस नाम की जगह पे साउथ अफ्रीका में। अब ये जो आप कह सकते हो कि जो बर्नट बोन मिले हैं, बेग्ड क्ले मिले हैं, ये कैसे मिले हैं? क्या ये वॉल्केनिक एरप्शन की गर्मी की वजह से थे, या फिर कोई नेचुरल बुश फायर लग गई थी, या फिर सच में उस समय के इंसानों ने डेलिब्रेट और कंट्रोल यूज़ किया था फायर का, इसके बारे में अभी भी कोई प्रॉपर पुख्ता जानकारी नहीं है। लेकिन ये जो हर्थ है, ये हर्थ देखिए स्पेसिफिकली डिज़ाइन किए गए इस पर्टिकुलर हट में। इस हर्थ का एक ही मतलब है कि यहाँ जब लोग बैठते होंगे ये हर्थ जलता होगा, इससे लोगों को गर्मियाँ मिलती होंगी और इसी में उन लोगों का खाना पकता होगा। तो बेसिकली फॉर वार्म। अच्छा, और एक चीज़, केव्स के अंदर रात में लाइट के लिए भी ये आग जलाई जाती होगी, उस समय पर बिजली तो थी नहीं। उसके बाद फायर का प्रयोग लकड़ी को स्ट्रांग करने के लिए भी किया जाता था। फिर स्पीयर होता है ना, उसके टिप को भी नुकीला करने के लिए और टूल्स को फ्लेक करने के लिए हीट का प्रयोग किया जाता था। चूँकि जब आप किसी भी ताकत और पदार्थ को थोड़ा गर्म कर दोगे तो उसके बाद उसको रगड़ना, उसको चिप करना ये थोड़ा आसान हो जाता। फिर आगे बात करते हैं अर्ली ह्यूमंस मेकिंग टूल्स। अगर आप बात करो टूल मेकिंग का प्रोसेस, इट्स नॉट ओनली कन्फाइंड टू ह्यूमंस। बर्ड्स भी कुछ स्पेशल ऑब्जेक्ट्स का प्रयोग करके अपने आप को फीड करती हैं, साफ सफाई रखती हैं, सोशल इनकाउंटर्स करती हैं। उसके बाद अगर आप देखोगे कुछ चिंपैंजीज भी पहले फूड को ढूंढते समय टूल्स का प्रयोग करते थे। अगर आप बात करो तो टूल मेकिंग एप्स के अंदर बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो कि कॉमन नहीं था। रीज़न भी कि ह्यूमंस और एप्स में बहुत फ़र्क है, बहुत सारे न्यूरोलॉजिकल और एनाटॉमिकल आप कह सकते हो इम्प्रूवमेंट्स हुए हैं, जिसके चलते जो ह्यूमंस हैं वो अपने हाथों को ज़्यादा स्किलफुल तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं टूल को बनाना, ठीक है ना, रेगुलरली उसको बनाना, उसमें मेहनत करना, ये आप कह सकते हो कि एक ऑर्गेनाइजेशनल कॉम्प्लेक्स टास्क है। इसके लिए ज़बरदस्त मेमोरी चाहिए और इस प्रकार के टास्क की मेमोरी और ऑर्गेनाइजेशन एप्स के अंदर नहीं पाया जाता था। तो एप्स या फिर अर्ली आप कह सकते हो जो चिंपैंजीज थे वो इस प्रकार के टूल्स बनाते हों, सोफिस्टिकेटेड, ये पॉसिबल नहीं। सोफिस्टिकेटेड क्या, नॉर्मल टूल्स भी नहीं इस्तेमाल करते थे। हाँ, आप कह सकते हो कि कुछ गिराने के लिए या किसी को मारने के लिए पास में कोई पड़ी हुई लकड़ी का इस्तेमाल कर लिया, उसको टूल बोल दो तो बात अलग है। फिर स्टोन टूल्स बनाने का अर्लीस्ट एविडेंस कहाँ से मिलता है? तो इथोपिया और केनिया की कुछ साइट से आप कह सकते हो इसका एविडेंस मिलता है। जो अर्लीस्ट स्टोन टूल मेकर्स थे वो थे ऑस्ट्रेलोपैथिकस। ऑस्ट्रेलोपैथिकस कौन थे ये जानना है, पिछली वीडियो देखो जब। फिर आगे आप देखो ओल्डुवाई नाम की जगह पे भी बहुत सारे टूल्स पाए गए अर्ली। ओल्डुवाई क्या है? तो ओल्डुवाई वही जगह है जहाँ पे लुई लीके अपनी शोध कर रहा था। लुई लीके के बारे में और ओल्डुवाई के बारे में पहले बात कर चुका हूँ। ओके, फिर आप देखोगे कि जो अर्ली टूल्स हैं वो ओल्डुवाई में पाए गए। यहाँ पे आपको एक चॉपर नाम का टूल दिख रहा है। ओके, बड़ा सा स्टोन है। इस स्टोन के ऊपर के फ्लोक्स को रगड़ रगड़ के हटा दिया गया, इन फ्लेक्स की एजों को शार्पन किया गया और इनको हैंड एक्स की तरह इसको इस्तेमाल किया जाता है। फिर आप देखोगे कि वी डू नॉट नो वेदर टूल मेकिंग वॉज डन बाई मैन और वुमेन और बोथ। टूल्स मैन बनाते थे या वुमेन बनाती थी या दोनों बनाते थे, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी है नहीं। हाँ, ये कह सकते हैं कि कुछ जगहों पर हो सकता है स्टोन टूल मेकर्स दोनों मैन और वुमेन हो सकता है केवल वुमेन हो सकता है केवल मैन हो। उस समय पे एक्चुअली वुमेन या मैन किस प्रकार के प्रोसेस में इन्वॉल्व होते थे इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहा जाता रहता है। आप देखोगे वुमेन इन पर्टिकुलर मे हैव मेड एंड यूज टूल्स टू ऑब्टेन फूड फॉर देमसेल्व्स एज वेल सस्टेन द चिल्ड्रन आफ्टर वीनिंग। तो बेसिकली फूड बनाने के लिए, चिल्ड्रंस को ध्यान में रखने के लिए हो सकता है कि वुमेन ने टूल्स का प्रयोग किया हो या उनको बनाया भी हो, बट हम कह नहीं सकते। हो सकता है मैन ने बना के वुमेन को दिया हो सकता है उस समय पे मैन बच्चे देखते हो, वुमेन ना देखते हो, कुछ भी हो सकता है। 35,000 साल पहले किलिंग एनिमल्स की जो टेक्निक थी इसमें थोड़े इम्प्रूवमेंट्स देखने को मिले, कुछ नए प्रकार के टूल्स उभर के आए, जैसे स्पीयर थ्रोअर्स, बो एरो, इस प्रकार के टूल यहाँ पे आने लगे। जो मीट आता था यहाँ पे आप कह सकते हो जानवरों का, उसको थोड़ा प्रोसेस किया जाता था। प्रोसेस करने के लिए क्या, तो बोन्स हटा दिए, उसके ऊपर की पूरी खाल निकाल दी, पहले खाल के साथ ही खा जाते होंगे, अब खाल हटाई, फिर उसको ड्राई करना, उसको गर्म करना, स्मोक करना, प्रॉपर तरीके से स्टोर करना। तो पहले जो जानवर को मारा उसको सीधे सीधे खा गए, अब कहीं ना कहीं उसको स्टोर करके आगे लेके रख सकते हैं कि भाई भूख लगी तब खा लेंगे। फिर भाई देखिए उस समय पे और क्या क्या होता था।
ट्रैपिंग ऑफ फर बेरिंग एनिमल्स, जिन जगहों पर ठंडी होती थी वहाँ पर एनिमल्स के पास नेचुरली फर आ जाते हैं, तो उन एनिमल्स को पकड़ना, उनको मार देना और उनके फर से क्लॉथ्स बनाना। उसके लिए स्विंग नीडल्स की ज़रूरत पड़ेगी। हालांकि यहाँ पे जो क्लॉथ बनते थे वो बड़े रफ टाइप के बनते थे, बट ठीक है, उनके फर को उतार के किसी भी तरीके से उनको सिल के अगर ठंडी में आप कुछ भी ओढ़ लो, ये भी काफ़ी आराम देता था। अगर देखिए स्विन क्लॉथिंग यानी सिले हुए कपड़ों के साक्ष्य देखे जाएँ तो 21,000 साल पहले के मिलते हैं। फिर आप देखो कि पंच ब्लेड टेक्निक भी यहाँ पर अडॉप्ट की गई थी चीज़ें लाइक टूल्स बनाने के लिए, जैसे बोन पे, एंटलर पे, आइवोरी पे और वुड पे इंग्रेविंग की जा सकती हैं। तो यहाँ पे आपको एक पेबल दिख रहा है, इसके ऊपर से एक पत्थर से मार मार के ये हिस्सा तोड़ दिया गया। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे सपाट हिस्सा दिख रहा है। इस सपाट हिस्से में आपने क्या किया कि इस प्रकार के आप कह सकते हो कि एक पॉइंटेड ऑब्जेक्ट से आपने यहाँ पे स्क्रैचेस बना दिए। तो दो चीज़ें हैं, इसको इतना पॉइंट करते जाओ कि इस प्रकार से ब्लेड बना दो, या फिर इसको आप वो चीजेस और ब्यूरिंस बना दो जिससे आप बोन को एनग्रेव कर सको। देखिए ये जो सपाट आपको मार्बल दिख रहा है, इसकी साइड में आप सतहें काटते जाओ। वो सतहें अलग अलग चौड़ाई की होंगी, अलग अलग पॉइंटनेस की होंगी, कुछ एंड प्रोडक्ट इस प्रकार का दिखेगा। इस प्रकार के एंड प्रोडक्ट्स का प्रयोग आप इसलिए कर सकते हो तो बोन्स पे ड्राइंग्स बनाने के लिए कर सकते हो। देखिए इस बोन पे घोड़ों की ड्राइंग बना के रखी गई है। तो इस प्रकार के भी चीज़ें उस समय पे करी जाती थी, नाना प्रकार की चीज़ें थी। फिर बात करते हैं मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, लैंग्वेज एंड आर्ट। लिविंग बींग्स के अंदर ह्यूमंस ही एक ऐसे हैं जिनके पास एक प्रॉपर भाषा है। भाषा के डेवलपमेंट को लेके अलग अलग लोगों की अपनी अलग अलग राय हो सकती थी। जैसे होमोनिट्स जब बातचीत करते होंगे तो हो सकता है गेस्चर्स और हैंड मूवमेंट से बातचीत करते होंगे, चूंकि उनका भाषा तो थी नहीं। ठीक है, अगर आप लैंग्वेज की बात करो तो लैंग्वेज से पहले वोकल बट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन रहे होंगे। मतलब कहने का मतलब है कि लोगों को भाषा नहीं आती होगी बट लोगों की वोकल कॉर्ड्स होंगी तो उनके मुंह से आवाज़ निकलती होगी, लेकिन ऑब्वियसली बात है भाषा तो पता नहीं है। तो हिम करके या कुछ अलग प्रकार के साइन देके, सिंग करके, हमिंग करके आप दूसरे लोगों को कुछ बताने की कोशिश करते होगे या अपने इमोशंस को व्यक्त करते होगे, जो भी आप करना चाहते हो। ह्यूमन स्पीच की बात करिए तो आप देखोगे ह्यूमन स्पीच प्रोबेबली बिकेन विद कॉल्स लाइक द वंस दैट हैव बीन ऑब्जर्व्ड अमंग प्राइमेट्स। धीरे धीरे ह्यूमन स्पीच निकलना शुरू होगी। शुरुआत में ह्यूमंस की जब वोकल कॉर्ड्स डेवलप हो रही होंगी तो अलग अलग प्रकार की स्पीच साउंड्स होंगी। जैसे जैसे ये स्पीच साउंड्स इवॉल्व होती गई, जैसे जैसे लोग कम्युनिटी के बीच में रहते गए, वो कुछ कॉमन सिम्बल्स, कॉमन लिपीज का प्रयोग करने लगे और धीरे धीरे उनकी भाषा इवॉल्व हुई और वो आपस में एक दूसरे के साथ बात करके लैंग्वेज बन गए। तो ये जो स्पोकन लैंग्वेज का इमर्जिंग का प्रोसेस है, ये कितने साल पहले लमसम हुआ होगा? तो बात की जाए तो होमो हैबिलिस का जो दिमाग था, होमो हैबिलिस के दिमाग में कुछ ऐसे फीचर्स थे कि बोला जा रहा है कि शायद वो बोल पाते हो। तो अगर सिर्फ बोल पाने के दम पे इस प्रकार की इंटेलिजेंस को माना जाए कि हाँ भाई वो भाषा को इवॉल्व कर सकते हैं, तो हो सकता है 2 मिलियन ईयर्स अगो पहले ही भाषा इवॉल्व हो गई हो। तो वोकल ट्रैक का इवोल्यूशन के साथ साथ आगे देखोगे भाषा का इवोल्यूशन होगा। खासकर जो मॉडर्न फॉर्म ऑफ लैंग्वेज आपको नजर आएगी, जो बिल्कुल एडवांस फॉर्म ऑफ स्पोकन लैंग्वेज नजर आएगी, अब इसको बिल्कुल ही लैंग्वेज के परस्पेक्टिव मत सोच लेना, यहाँ पे एंशियंट हिस्ट्री की बात हो रही है, तो चीज़ें सारी एंशियंट ही हैं। तो 40,000 साल से 35,000 साल पहले ऐसा बोला जा रहा है कि लैंग्वेज डेवलप हुई, क्योंकि उसी समय के लगभग पे आर्ट डेवलप हो रही थी, तो लैंग्वेज भी लगभग उसी समय पे डेवलप हुई। क्योंकि आर्ट भी दूसरों को चीज़ें बताने का तरीका था और भाषा भी दूसरों को चीज़ें बताने का तरीका थी।